नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा। आइए एक नजर डालते हैं दिन की 10 खबरों पर। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर में लगे गरियाबंद के मैनपुर देवभोग में गुरुवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसका असर देवभोग और अमलीपदर क्षेत्र के कुछ गांव में दिखा। दुर्ग में सड़क हादसा, 4 की मौत। बाइक को चपेट में लेकर ओवर ब्रिज से नीचे गिरा ट्रक, 4 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला शव। केंद्र सरकार ने CAPF के आधुनिकीकरण को दी मंजूरी, 2026 तक खर्च किए जाएंगे 1523 करोड़ रुपए। एक्टर आदित्य नारायण ने सोशल मीडिया पोस्ट में गुड न्यूज दी है। उन्होंने बताया कि उनके घर बेटी ने जन्म लिया है। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट पर 8वीं उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें कई केंद्र मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने निकासी अभियान को लेकर जानकारी ली। महाराष्ट्र भाजपा के विधायकों ने मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। हैदराबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने केयर टेकर नौकरानी को हार्पिक और झंडू बाम का उपयोग करके बुजुर्ग महिला को अंधा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने सोलर हाइड्रोजन LED बल्ब के इस्तेमाल पर जोर दिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने गुरुवार को रूसी समक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद कहा कि यूक्रेन में सबसे बुरा अभी होना बाकी है। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।